हाय फ्रेंड्स, आपको पता है बाहर गर्मी इतनी बड़ी है। यहाँ का तो मैं जहाँ पे अभी आया हूँ 43 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है परभनी का। अभी मैं परभनी से ये वीडियो कर रहा हूँ, एक रेस्ट हाउस से, और मुझे लगा कि इस गर्मी का मुकाबला करने के लिए हमें कुछ टिप्स मुझे आपको देना चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल हो। जैसे कि मैंने शीतली और शीतकारी प्राणायाम मैंने आपको बताया था, फिर भी हम फूड या न्यूट्रिशन में हमारे हमारी बॉडी को कूल करने के लिए जो चीज़ें हम देना चाहिए वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो है, इजीली अवेलेबल हो सकता है अभी आपको कर्ड या बटर मिल्क होता है, दही, ये नेचुरल कूलेंट है। बटर मिल्क इज़ ऑल्सो द नेचुरल कूलेंट, तो आपको वो 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क डेली लेना चाहिए। फिर कुकुम्बर काकड़ी जो है वो भी एक हमें बॉडी को हाइड्रेशन देती है और बॉडी में कूलेंट जैसा काम करती है। उसके बाद में है वाटरमेलन। अभी इन दिनों में वाटरमेलन जो वेट लॉस डाइट पे है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम वाटरमेलन में 92% वाटर होता है और 30 कैलोरी के आसपास होता है। मीठा है फिर भी उतना कैलोरी कम है, और वो उसमें मैग्नीशियम जैसे जो मिनरल्स है वो हमें बॉडी के लिए जो कूलिंग एजेंट इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो प्रदान करते हैं, इसीलिए हमें वाटरमेलन भी लेना चाहिए। बाद में कोकोनट वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है, इट इज़ द नेचुरल सलाइन। ये बॉडी में जब हमारे ये समर में क्या क्या हो सकता है, हमारा डिहाइड्रेशन होता है, मिनरल लॉस होता है, हमें थकान महसूस होती है क्योंकि पसीने से हमारे मिनरल्स लॉस हो जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, तो ये वाटर से, कोकोनट वाटर से इजीली मिल सकते हैं। फिर है शुगर केन जूस। हम कहीं पे भी रास्ते में जब चलते हैं तो आपको जगह जगह पे शुगर केन या शुगर केन का जूस, जो रस बोलते हैं उसको गन्ने का, तो वो मिल सकता है। उसमें भी हमें उससे भी हाइड्रेशन मिलता है, जो गर्मी से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और हाइपोग्लाइस में भी जा सकता है क्योंकि हमारा शुगर लेवल कम होता है, तो ये गन्ने का जूस जो है वो शुगर लेवल आपका मेंटेन करेगा। और नेक्स्ट है ऑनियन। ऑनियन आल्सो इज़ द नेचुरल कूलेंट। जब हम एक ऑनियन खाते हैं तो उसमें वाटर लेवल रिहाइड्रेट हो जाता है। कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए कूल रखने के लिए मददगार हो सकते हैं। फिर मिंट, मिंट यानी पुदीना, जो घर के पास में हम लगाते हैं, वो चार पुदीने के जो लीव्स हैं वो हमारे जूस में डालने के बाद, पुदीना इज़ द नेचुरल कूलेंट, ठंडा रखने के लिए पुदीने का भी यूज़ हो सकता है। और बाद में हम जो इजी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है, नींबू पानी, लेमन वाटर, तो लेमन से भी हम बॉडी को कूल रख सकते हैं और हाइड्रेट रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम हमारे डाइट में ले सकते हैं और हम अपनी बॉडी कूल रख सकते हैं इन समर में। थैंक यू।